सायतामा वर्सेस गारो पूरे वन पंच मैन के अंदर सबसे हाइप्ड बैटल, क्योंकि इस फाइट को वो लोग सीजन 1 से हाइप कर रहे हैं। और इस फाइट के अंदर हम सबको गारो पे ये उम्मीद है कि वो एक लौता बंदा है जो सायतामा को टक्कर दे सकता है, क्योंकि कॉस्मिक गारो बनने के बाद उसके पास कुछ इंसेन पावर्स आ जाती हैं। और इन नई पावर्स के अगेंस्ट क्या हमारा सायतामा जीत पाएगा, यही बात को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर तुम भी मेरी तरह वन पंच मैन के फैन हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस फाइट में बहुत ही क्रेजी क्रेजी चीज होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अपने इस धमाकेदार वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो मांगा में चैप्टर 160 में जब हमारा सायतामा और गारो का इनकाउंटर होता है, तो गारो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है बोल के कि मैं एब्सोल्यूट एविल हूँ और मैं ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा। और इस बात को सुन के हमारा सायतामा रिप्लाई करता है कि तुम तो मॉन्स्टर की तरह दिखते भी नहीं हो, जिससे हमारी गारो की जल जाती है और वो सायतामा पे अटैक करता है। मगर उससे पहले हमारा सायतामा उसे एक मुक्का मार के बहुत दूर फेंक देता है, और इसी से हमारे गारो को ये समझ में आता है कि ये वही टकला है जो मुझे बार बार पेल देता है। और इससे वो और गुस्सा हो जाता है और हमारे सायतामा के सर पे मारता है, लेकिन हमारा सायतामा का सर इतना मजबूत है कि गारो का हाथ ही टूट जाता है। इसके बाद हमारा सायतामा एक पंच मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है। और हमारा सायतामा गारो के नए फॉर्म पे भी जोक करता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है। लेकिन फाइट में आ जाता है टेरियो, जो गारो को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही हीरोज को मारता रहा तो लोग उसे मॉन्स्टर डिक्लेयर कर देंगे, विच इज वॉट एग्जैक्टली गारो वॉन्ट। लेकिन टेरियो को ये बात नहीं पता है कि फाइट्स के अंदर सायतामा नहीं पेला जाता, बल्कि हमारा सायतामा पेलता है सबको। लेकिन हमारे गारो को ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि सायतामा उसके अटैक्स को झेल के उसके इतनी बुरी तरीके से पीट कैसे दे रहा है। उसके बाद वो मार्शल आर्ट यूज करता है, और हम सब जानते हैं कि सायतामा को मार्शल आर्ट समझ ही नहीं आता है, जिसकी वजह से सायतामा को कई सारे अटैक्स लग जाते हैं गारो के। लेकिन इससे भी उसे कुछ होता नहीं है, उल्टा वो गलती से कुछ लोगों को बचा लेता है जो बिल्डिंग के बेसमेंट में फंसे रहते हैं। और इस बात पे हमारा सायतामा गारो को मॉक करता है कि ये कैसा विलन है जो लोगों को हेल्प कर रहा है, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और सायतामा पे अटैक्स करता है बहुत सारे। लेकिन फिर भी हमारा सायतामा को कुछ होता ही नहीं है। फिर हमारा सायतामा नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंचेस यूज करता है, और हमारा सायतामा उसको इतना बुरा पीटता है कि गारो अपनी मॉन्स्टर बॉडी में से निकल जाता है। और इसी इवेंट के बाद हमारे गारो की किस्मत पलट जाती है, क्योंकि गॉड आते हैं बैंक के फॉर्म में गारो को कॉस्मिक पावर देने। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कॉस्मिक गारो। फिर गारो यूज करता है एक मार्शल आर्ट टेक्निक, जिसमें वो अपोनेंट के अटैक को और पावरफुल करके उसी के खिलाफ यूज कर सकता है। हमारा गारो और सायतामा एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जहां पे इस बार गारो के अटैक सायतामा पे लैंड करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ हमारे सायतामा को होता नहीं है। इसके बाद गारो एक बहुत खतरनाक अटैक यूज करता है, गामा रे बर्स्ट। और इस अटैक के बाद हम लोग को सायतामा बैटलफील्ड में कहीं दिख नहीं रहा था। इसके बाद गारो दूसरों को डराने चला जाता है, गॉड को कहता है थैंक यू इस पावर के लिए। और इसके बाद हमारे कॉस्मिक गारो और एस क्लास रैंक 1 के बीच में फाइट होती है, और गारो उसको भी ओवर पावर कर देता है। वहीं पे हमारा जेनोस अपने टूटे फूटे हालत में गारो पे अटैक करता है, जिसके रिस्पॉन्स में गारो जेनोस का कोर निकाल लेता है, जिससे हमारा जेनोस मारा जाता है। और ये गारो की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इसी मोमेंट में सायतामा बैटलफील्ड में आता है, और इस बार हमारा सायतामा बिल्कुल सीरियस है। हमारा सायतामा जब जेनोस को मरा हुआ देखता है तो उसका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, तो मैं एक सीरियस पंच मारता है गारो के ऊपर, और हमारा गारो भी इसी अटैक को कॉपी करके सायतामा पे मारता है। और इन दोनों की पावर लेवल को देख के हमारे एस क्लास रैंक 1 ब्लास्ट की फट जाती है, और वो बोलता है कि अगर ये पंचेस लैंड किए तो अर्थ फट जाएगा, इसीलिए वो इन दोनों को अर्थ के बाहर कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद सायतामा और गारो सीरियस पंच स्क्वायर यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ के बाहर से जुपिटर के मून पे लैंड कर जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद गारो बोलता है कि हम दोनों को यहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारा सायतामा अभी पूरे सीरियस मोड में था। अभी हमारा सायतामा बस अपने एक ही हाथ को यूज कर रहा है, क्योंकि दूसरे हाथ में जेनोस का कोर है उसके पास। उसके बाद वो गारो को पीटना शुरू कर देता है। फिर हमारा गारो ब्लास्ट के पोर्टल को कॉपी करके सायतामा को कहीं भेजना चाह रहा था, लेकिन हमारा सायतामा उस पोर्टल से भी ज्यादा तेज है। सायतामा बोलता है कि ये सब ट्रिक्स को छोड़ो, अपने हाथ से लड़ने आओ। हमारा गारो दुनिया भर के पोर्टल से सायतामा पे अटैक करता है, लेकिन इन अटैक से भी सायतामा बस कपड़ा ही फटता है। उसके बाद सायतामा सीरियस टेबल फ्लिप नाम का अटैक यूज करता है, जिससे पूरे जुपिटर का मून ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सायतामा कंसेक्यूटिव सीरियस पंचेस यूज करता है, जिससे हमारा गारो को ये समझ में आने लगता है कि वो सायतामा को नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी पावर लिमिटलेस है और वो लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद सायतामा सीरियस नीज यूज करता है, जिससे पूरे जुपिटर का एटमॉस्फेयर ही उड़ जाता है। जिसके बाद गारो को सन दिखता है, जिसकी वजह से वो अर्थ को भी लोकेट कर सकता है, और वो भागने का प्लान बनाता है। तुरंत ही अपना पोर्टल खोलता है और अर्थ के पास पहुंच जाता है, लेकिन हमारा सायतामा भी उसके पीछे आ चुका है। हमें ये पता चलता है कि सायतामा का उस टाइम पेट दर्द कर रहा था, जिससे उसका पाद निकल जाता है, और उसके पाद के मोमेंटम से वो गारो के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हमारा सायतामा एक बहुत तगड़ा पंच मारता है और गारो को अर्थ पे पहुंचा देता है, और वहीं पे गारो अपना हार मान लेता है। गारो जब अर्थ पे आता है तो वो टेरियो को मरा हुआ पाता है। उसके बाद वो सायतामा से एक हेल्प मांगता है कि वो उसका मार्शल आर्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को यूज करे अपने लेवल पर, जिससे वो टाइम ट्रेवल करेगा और ये सब होने से रोक दे, मतलब टाइम में पीछे जाके वो गारो को फाइट के स्टार्टिंग में हरा दे। और सायतामा ऐसे ही करता है, और वो टाइम में पीछे
पीछे जाता है जब गारो को कॉस्मिक पावर्स मिली थी और उसे वो वन पंच करके हरा देता है। और इसके बाद जो फ्यूचर वाला सायतामा और प्रेजेंट वाला सायतामा एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और क्योंकि टेक्निकली ये फाइट हुई नहीं इसीलिए सायतामा को ये फाइट याद ही नहीं रहती और ऐसे ही गारो वर्सेस सायतामा की फाइट खत्म हो जाती है। पर्सनली मुझे इसकी एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि इस फाइट का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा वन पंच मैन के यूनिवर्स में। तो गाइज आज की वीडियो इतनी ही थी, तुम लोग मेरे दूसरे वीडियोस को देख सकते हो नीचे क्लिक करके। और हां, जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जरा से भी पसंद आई तो लाइक कर देना क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और तुम लोग कमेंट करके बताना कि और कौन से टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।